कोटि कोटि नमन गुरु जी। मैं नेपाल से अशोक यादव, सुनसरी जिला। गुरु जी, मैं आनंद शिविर में आया था, वहाँ जो शक्तिपात किया तो उससे सबसे पहले मुझे एक सर्प दिखाई दिया जो फन उठा करके खड़ा हुआ था, सीधा फन फैला करके वो देख रहा था मेरे तरफ। उसके बाद मैं वो देख करके मैं सोचा ये मेरा अंदर ये सर्प कहाँ से आ गया। उसके बाद थोड़ा ही देर के बाद मैं गहरा ध्यान में चला गया। ध्यान में आने के बाद गुरुजी, मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के पास में कहीं एक खाली जंगल सा एरिया है, उसमें एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी में वो बहुत ऋषि मुनि है, वो यज्ञ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे एक छोटा उंगली के आकार से छोटा शिवलिंग सफेद मुझे नजर आता है। गुरुदेव, घर में आने के बाद में मैं आसन ऐसा सिद्धि होता है कह करके मैं कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन गुरुजी, अभी मैं 2 घंटा का आसन इतना अच्छा सिद्ध हो गया है और इतना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे जो मैं सोच नहीं सकता। गुरुजी, ये आपका कृपा है, ऐसा ही कृपा सदैव बनाए रखिए गुरुदेव। गुरुदेव, अभी जो है फिलहाल यहाँ घर का अनुभव मैं बता रहा हूँ, जो घर पे यहाँ से लेकर के ये जो कंठ चक्र तक का जो ये रीढ़ का जो पीछे का हड्डी है, ये पूरा गर्म होता है। गर्म होने के बाद में ये हृदय चक्र जो है, हृदय चक्र से पीछे भाग में एक गुदगुदी सा महसूस होता है। वो जब गुदगुदी सा महसूस होने लगता है तो हमको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। वो इतना आनंद आता है, मैं इतना अच्छा महसूस होता है, मैं
मुझे अच्छा ध्यान लग जाता है, और जो वहाँ से आने के बाद में गणेश भगवान का भी दर्शन हुआ, ऐसा ऐसे अनेक देवी और देवता का दर्शन हुआ, हर रोज नया नया होता है। अभी माँ दुर्गा का भी दर्शन हुआ, सीधे सामने आकर के नज़र के सामने ऐसा हम देखते हैं, साक्षात माँ दुर्गा नज़र के सामने रहती है लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है, ऐसा देखा और वो गायब हो जाते हैं, देखा गायब हो जाते। भगवान शिव को भी देखा लेकिन गायब हो जाते हैं। गुरुदेव मुझे उनसे बात करना है, मुझे उनसे बात करवाइए। गुरुदेव आप मुझ पे कृपा करें, और कोई कमी कमजोरी हो गया हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं एक दास बन करके रहना चाहता हूँ आपके चरणों में। गुरुदेव आप ऐसा ही मार्गदर्शन करें और मुझे अच्छा साधक बनने का अवसर दे। मैं यही माँ दुर्गा भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। कोटि कोटि नमन गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। अशोक जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं और अनुभूति भी हुई है। हाँ, आपने अपने अनुभव में बताया कि आपको एक सर्प यानी नाग आपकी ओर देख रहा है, वो फन उठाए हुए है। देखो, कुंडलनी का दर्शन होता है तो विभिन्न रूपों में होता है, जैसा कि मैं बताता ही रहता हूँ, मैंने किताब में भी लिखा हुआ है, मैंने वीडियो में भी बताता रहता हूँ और शिविर में बताता रहता हूँ कि कुंडलनी मूलाधार चक्र में सर्प के रूप में शिवलिंग में 3.5 चक्र लगाए हुए लिपटी रहती है। इसके अतिरिक्त भी दूसरे ढंग के स्वरूप दिखाई देते हैं। तो आपने जो सर्प वाली बात कही है यहाँ पर, तो वो कुंडलनी का ही दर्शन है, वो नागिन के रूप में दिखाई दे रही है और नागिन के रूप में ही मूलाधार चक्र में 3.5 चक्कर लगाए होते हैं। हाँ, कुछ भिन्न रूप से भी दिखाई देती है, जैसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में भी दिखाई देती है, और भी कई उसके रूप होते हैं, लेकिन आपका जो अनुभव है उसमें आपने यही बताया कि एक आपको नाग ऐसा दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात, आप नेपाल से आए आलंदी तक और आपकी कुंडलनी जागृत कर दी गई है और कुंडलनी आपके कंठ चक्र से जा रही है, तो निश्चय ही आपके पूर्व काल के संस्कार अच्छे होंगे कि पहली बार में ही आपको सफलता प्राप्त हो गई है। अब आप नेपाल में खूब साधना करना, अगर उचित समय अगर मुझे मिलेगा तो हम आपसे कभी न कभी फिर संपर्क बना लेंगे या पूछ लेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि आपने ये कहा कि मुझे अनुभव आए हैं उसमें ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। इसका मतलब है कि अगर आप साधना करते रहेंगे भविष्य में आप एक अच्छे साधक बन सकते हैं, अर्थात आपके चित्त में अच्छे संस्कार हैं। और आगे आप कहते हैं कि मुझे देवी देवता दिखाई देते हैं मगर उनसे बात नहीं होती है, वो अदृश्य हो जाते हैं। देखो, देवी देवताओं से बात करने की एक निश्चित अवस्था होती है, नए साधक को इस तरह से दिखाई देना ही बहुत अच्छी बात है कि उनका यानी दर्शन हो रहा है, लेकिन बात करने के लिए तो भाई ब्रह्मरंध्र का खुला होना और इससे आगे की अवस्था है। ठीक है, अभी तो नहीं, साधना करते रहो, भविष्य में हो सकता है कि आपकी अगर साधना वहाँ तक आप ले गए या आप पहुँच गए तो हो सकता है कि आपकी बात देवी देवताओं से भी हो। साधक के जीवन में जब अवरोध आता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं क्या साधना कर रहा था, मैंने साधना कर रहा था इसलिए आ गए, नहीं, वो आपके चित्त के अंदर के जो संस्कार होते हैं वो बाहर निकलते हैं, वो अवरोध उपस्थित करते हैं, इसलिए अवरोधों से कभी डरना नहीं, अभ्यास में लगे रहना और आगे की ओर बढ़ते रहना। ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में आप एक अच्छे साधक के रूप में उभरेंगे। हाँ, मैं दोबारा बता दूं कि आपकी कुंडलनी कंठ चक्र तक जाती है, उसका आपको दर्शन होता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप नेपाल के पहले साधक हैं कि जिनकी कुंडलनी हमें यानी हमारे जो बहन थी उसको ऊर्ज करने का अवसर मिला, और अब आप अच्छे साधक हैं, आपको उचित फल भी मिला। ठीक है अशोक जी,
अब मैं यही आपसे इच्छा रखता हूँ कि आप साधना करते रहें और भविष्य में आप ऊंचाइयों को छुएं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।